आपका डॉगी बार बार लूज मोशन कर रहा है, लूज स्टूल्स हो रहे हैं उसको, जगह जगह घर में गंदा कर दे रहा है और आपके लिए चिंता का विषय है क्योंकि आपका घर गंदा हो रहा है और आपके हेल्थ डॉग का हेल्थ कंडीशन भी दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना है और क्यों होता है ये लूज मोशन और क्या करना चाहिए उसके बचाव के लिए और क्या इलाज कर सकते हैं घर पर और क्यों किस स्थिति में हमको अपने वेटरनेरियन के पास उसको ले जाना चाहिए, इन्हीं सब चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की। जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें होता है कि आपने अपने डॉग को खाना खिलाया है और डॉग उसको टाइम टू टाइम जो है मॉर्निंग या इवनिंग जब भी आप उसको वॉक के ले जाते हैं तो उस समय अपना एक्सक्रीट करता है, अपना पॉटी करता है वो, तो उसकी कंसिस्टेंसी अगर ठीक होती है तो कोई चिंता की बात नहीं होती है, कंसिस्टेंसी भी ठीक रहती है और फ्रीक्वेंसी भी सुबह शाम अगर करता है तो दोनों आपने ट्रेनिंग उसको दिया है पॉटी का तो वो सुबह शाम करता है। लेकिन जब भी इसमें डेविएशन होता है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी होता है तो वो आपके लिए एक चिंता का कारण बन जाता है क्योंकि डॉग फिर आपका जगह जगह पर करना शुरू कर देता है और कभी भी करता है तो उसमें आपको एक मैनेजमेंटल एस्पेक्ट से परेशानी हो जाती है, जगह जगह गंदा करना शुरू करता है और दूसरा उसके कारण जो है उसके हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जो आपको परेशान भी करता है और आपके डॉग के हेल्थ को भी डिग्रेड करता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर लूज मोशन होता क्यों है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है सिंपल जो है कि अगर आपने अपने डॉग को ज्यादा खिला दिया, ओवर ईटिंग करा दिया है या आपके डॉग ने ज्यादा खा लिया है खुद से, आप उस पर कंट्रोल नहीं रख पाए, ज्यादा चावल खा लिया है या ज्यादा ग्रेन ही खा लिया है, रोटी ही खा लिया है ज्यादा, या मिठाई मिली स्वीट्स वो बहुत ज्यादा खा लिया, या चिकन नॉन वेज मिल गया वो बहुत ज्यादा उसने खा लिया है, उसके कारण हो सकता है। या फिर उसने गार्बेज खा लिया है, कुछ भी स्पॉइल्ड फूड खा लिया है, उसके कारण हो सकता है। या फिर उसके फूड में आपने एकाएक चेंज कर दिया है, अगर वो पेडिग्री का खा रहा था उसको आपने रूल्स पर या रॉयल कैनिन किसी भी फूड को एकाएक ड्रास्टिक चेंज हो गया है तो वहां पर उसको जो है लूज मोशंस हो सकते हैं। उसके अलावा एक कारण है स्ट्रेस का, जब भी आपका डॉग पर स्ट्रेस होगा तो उसमें वो लूज मोशन कर सकता है। जैसे एकाएक इन्वायरमेंट में काफी गर्मी बढ़ गई है या काफी ठंडक हो गई, जिसको हम लोग ठंडा लगना बोलते हैं या बोलते हैं लू लग गया है, तो इन दोनों कंडीशंस में भी डायरिया या लूज मोशंस होते हैं आपके डॉग को। या फिर काफी एग्जर्शन हो गया है आपके डॉग को, बहुत जगह कहीं ट्रेवल कर लिया है या बहुत एक्सरसाइज रिगरस एक्सरसाइज हो गया, तो उस कंडीशंस में भी उसको स्ट्रेस होने के कारण लूज मोशन हो सकता है। फिर अगर कोई इन्फेक्शन उसको लगा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया है या वायरल इन्फेक्शन लगा है, प्रोटोजोअल का इन्फेक्शन लग गया है, उसके कारण भी जो है आपके डॉग को ये लूज मोशन हो सकता है। अब आपके मन में आया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने आप घर में कैसे आ गया, तो बैक्टीरिया तो कहीं भी सब जगह रहता है या वायरस का भी कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। वायरस में मेनली जो है पारो वायरस और कोरोना वायरस के कारण जो है उसको लूज मोशन हो सकते हैं। उसके बाद पैरासाइट जो है इसका कॉमन कारण है आपके डॉग के लूज मोशन के लिए। पैरासाइट्स में मेनली जो है फ्लूक वर्म्स, राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स, ये सब होते हैं जो उसको लूज मोशन कॉज करते हैं। फिर कुछ प्रोटोजोआ भी है जो लूज मोशन आपके डॉग में क्रिएट करते हैं, जिसमें जियार्डिया लैम्बिया है, इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका, ये सब जो है, और उसके अलावा भी कुछ प्रोटोजोआ हो सकते हैं जो कॉज करते हैं। तो ये सब तो सडन चेंजेस का है, तो इसके लिए अगर वर्म के कारण हो रहा है तो रेगुलर उसको डिवर्म कराते रहना है अपने डॉग को, या फिर अगर वायरल का है तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स है कि आप पहले ही अपने डॉग को प्रॉपर टाइम से वैक्सीनेट कराते रहिए ताकि आपका डॉग सुरक्षित भी रहेगा और उसको लूज मोशन या डायरिया की शिकायत नहीं रहेगी। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ये क्रॉनिक हो जाता है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, दवा दे रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। उस कंडीशंस में होता है कि इंटराइटिस हो गया है, मतलब आंतों में सूजन हो गया है आपके डॉग के, आंतों में पहले कोई ना कोई इन्फेक्शन गया और उसके कारण वहां पर जो है इरिटेशन, जीआई अपसेट हो गया है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट हो गया है, वहां पर जो है आंतों का सूजन हो गया है और फिर वहां पर वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है ठीक से, जिसके कारण जो है लूज मोशंस हो रहे हैं आपको डॉग को, तो इसको प्रॉपरली केयर करने की और ट्रीट करने की जरूरत है। यहां पर कुछ गैस्ट्रो प्रोटेक्टेंट्स हम लोग दे सकते हैं या उसके अलावा जो है आपके वेटनरियन की सलाह से आप इसको दे सकते हैं। इसमें डायरिया में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है मैनेजमेंट में, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डॉग को डिहाइड्रेशन नहीं हो, उसके शरीर में पानी की कमी नहीं हो, तो उसको हमेशा फ्रेश वाटर जो है अवेलेबल कराते रहना और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलाकर उसको देते रहना है ताकि उसके शरीर में वाटर और मिनरल्स का बैलेंस जो है बना रहे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स में सिंपल है कि
स्टूल का कंसिस्टेंसी जो है काफी लूज हो जाता है, वाटरी हो जाता है, बार बार करता है, उसमें फॉल स्मेल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये उसका सिम्टम है, तो इसको पहचानना कोई बड़ा चीज नहीं है, सिंपल है। और इसके ट्रीटमेंट में कुछ एक एजेंट्स का हम लोग यूज करते हैं, जैसे एंटी डायरियल एजेंट्स हो गए कुछ जो मार्केट्स में मिलते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के रूप में मिलते हैं, जैसे सीफ्लॉक्स टीजेड हो गया या ओफ्लॉक्स ओजेड हो गया, ऑफ्लोकाइंडी सब नाम से मिलता है ये, या O2 के नाम से ही मिलता है। तो उसमें प्रोटोजोल और बैक्टीरियल जो है एंटीबैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजोल एंटीबैक्टीरियल का कॉम्बिनेशन डाल के भी मार्केट में मिलता है। उसके अलावा आपको प्रोबायोटिक्स खिलाना है जिससे आपके डॉग का जो है डाइजेशन इम्प्रूव करे, और वहां पर एंटी प्रोटोजोल के तौर पर मेट्रोनिडाजोल ये सब खिला सकते हैं, उसका बहुत सारा कंपोजिशन मार्केट में आता है। फिर उसमें आपको कुछ ना कुछ लीवर टॉनिक्स ऐड करने की भी जरूरत हो सकती है, क्योंकि लीवर भी बहुत बार जो है डिसफंक्शन के कारण जो है आपके डॉग्स में लूज स्टूल होते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को सॉर्ट आउट करना होगा कि आपको कि क्यों हो रहा है, उसके बाद ही आप इसका होम रेमेडी पर जा सकते हैं। जैसे आपको तुरंत कारण फाइंड आउट करना होगा कि आखिर क्यों हुआ है लूज स्टूल, उसके बाद आपको उसके ट्रीटमेंट साइड में जाना पड़ेगा। और एक दिन देखने के बाद अगर ये कंट्रोल से बाहर जाता है तो आप निश्चित रूप से नजदीकी वेटरनरियन से मिले, और उसके बाद ही उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। उस समय बहुत बार इसको जो है अगर कंट्रोल नहीं होता है तो फ्लूड थेरेपी करना पड़ता है, वहां पर पानी चढ़ाना पड़ता है, या डेक्सट्रोज वगैरह जो है उसको एनर्जी के लिए बॉडी को रिस्टोर करने के लिए वाटर को देना पड़ता है। तो उसमें आप अपने वेटरनरियन से जाकर के निश्चित रूप से सलाह लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।